आज की खाबो। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं चिकन करी, है ना मम्मी? चिकन करी बनाएंगे। चिकन करी, तो गाइस चलिए देखते हैं हमने चिकन करी में हम क्या क्या मसाले यूज़ करने वाले हैं और क्या क्या यूज़ करते हैं। ये रहा अपना चिकन। तो मम्मी चिकन कितना है आपके पास? डेढ़ किलो हाँ। डेढ़ किलो चिकन है, उसके हिसाब से हमने चार आलू लिया है, दो आलू को चार पीस किया है। ठीक है, ये है अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हरी मिर्च, धनिया पत्ते, और गाइस मसालों में हमने लिया है ये है हल्दी पाउडर, ये नमक, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये क्या मम्मी? धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। ठीक है, और ये है टमाटर और प्याज का पेस्ट। और ये प्याज क्यों लिया है? ये हम तेल में फ्राई करेंगे, फिर चिकन को हम सारे मसाला को हम पहले मिक्स करेंगे इसमें। इसका क्या काम है? इसको आखिर में देखेंगे। अच्छा, आखिर ऊपर से डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जो है थोड़ा तेल डाल देंगे, बेसिकली पहले मैरिनेट करके कुछ देर रख देंगे। हम डाल देंगे सारे मसाले नमक के साथ, साथ ही हम डाल देंगे पेस्ट। अब हम मिक्स करेंगे। और कितने देर रखेंगे? आधा घंटे। तो गाइस मिलते हैं आपको आधे घंटे के बाद। तो गाइस आधे घंटे हो चुके हैं हमारे, अब हम छोंक में लगाने वाले हैं तेज पत्ता, जीरा, सूखी लाल मिर्च और दालचीनी और इलायची। हाँ, इलायची। प्याज, हमारे प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है, इतने से भून चुका है। अब हम डाल देंगे अपना चिकन जो मैंने करके रखा था। थोड़ा सा पानी यूज कर रहे हैं और जो अपना मैरिनेट वाला जो मसाला था उसी में हमने पानी डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी डालेंगे हमने? अभी नहीं बाद में। जब पानी डलेगा फिर चिकन करी रेडी हो चुका है, बहुत बढ़िया कलर आ रहा है।